अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। मुझे यहाँ कराची में तकरीबन 15 इयर्स हो गए हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और मेरे क्लिनिक्स यहाँ पे क्लिफ्टन डॉक्टर्स प्लाजा दो तलवार पे हैं, और गुलशन में अस्करी फोर में, और उसके अलावा बहादराबाद में अल खलीज टावर्स में। जो लोग यहाँ कराची में हैं वो मुझे क्लिनिक्स में दिखा लेते हैं, और जो लोग नहीं यहाँ पे विज़िट कर पाते वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अनवांटेड फेशियल हेयर जो है एक बहुत बड़ा इशू है, और वो ख़वातीन जिनमें ये प्रॉब्लम होता है वो बहुत तकलीफ़ का सामना इस वजह से कर रही होती हैं कि उनको अच्छा महसूस नहीं होता, फेशियल हेयर ग्रोथ की वजह से वो अच्छा महसूस नहीं करती। और जब हम उनका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं तो कई दफ़ा हार्मोनल इश्यूज़ का वो शिकार होते हैं, उनके अंदर मेल हार्मोन लेवल जो होता है या एंड्रोजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कई दफ़ा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं। और इनिशियली स्टेजेस पे या इनिशियल स्टेप्स पे उनको हम वेट रिडक्शन की तरफ लेके आते हैं अगर उनका वेट ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं जिसके ज़रिए वो इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकें। अगर वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका शिकार होती हैं, तो उनको एक बेहतरीन डाइट प्लान भी दिया जाता है। इसके बारे में लोगों की बहुत मिथ्स होती हैं कि वो बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चिकन खा नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। पोषण कंट्रोल के ज़रिए, बैलेंस डाइट के ज़रिए, जिसमें उनको एक प्रॉपर प्लेटर बना के दिखाया जाता है, और किस तरीके से टेबल स्पूंस के फॉर्म में वो थोड़ा सा चिकन या थोड़ा सा गोश्त किस तरीके से इस्तेमाल करें वो उनको तरीक़ेकार बताया जाता है, और उसी तरह के डाइट प्लान्स उनको डिज़ाइन करके दिए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं और उनको बहुत फ़ायदा भी होता है। और जहाँ पे देखा जाता है कि उनके हार्मोनल लेवल अपने एक्सीड कर चुके हैं, हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुके हैं, तो फिर उनको दवा भी दी जाती है। फेशियल हेयर ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा है तो एक तरीक़ेकार तो ये है कि लेज़र का इस्तेमाल हो जाए, या फिर परमानेंट तौर पे उसको उसका खात्मा हो सके, लेकिन हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो घर में बैठे हुए लड़कियाँ रेजर्स भी कर लेती हैं या वैक्सिंग भी कर लेती हैं, ये भी तरीक़ेकार सही है, लेकिन इसके बाद कई दफ़ा जो हेयर निकलते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें घर के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि शुगर है या ओट सीरियल घर के अंदर मौजूद होता है, सॉल्ट भी घर में होती है। अगर हम घर के अंदर फ्लावर या टर्मरिक पाउडर जिसको कहते हैं मैदा, टर्मरिक पाउडर आटा, इसका पेस्ट बना के लगा के रखते हैं, उससे आपका हेयर लॉस जो है वो बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद जो हेयर निकलेंगे वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि शुगर को अगर आपने पानी के अंदर पका लिया, लेमन जूस के साथ 2 टेबलस्पून शुगर, इसको आप गाढ़ा कर लीजिए और फिर ठंडा करके आप इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आप इसको रिमूव कीजिए तो आपके बाल भी रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अरसे तक दोबारा बाल नहीं निकलता। रेमेडी नंबर 3 ये है कि एग वाइट्स के साथ कॉर्न स्टार्च को अप्लाई करके इस मिक्सचर को भी आप लगा सकते हैं, तब भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओट मील का सीरियल और बनाना पेस्ट के साथ नंबर 4 रेमेडी मैं बता रही हूँ आपको फॉर योर एक्सेस फेशियल हेयर, और इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पोटैटो का जो पानी है, यानी कि आलू को हम बॉयल करके और उसका जो पानी है अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। घर के अंदर टूथपेस्ट हर वक्त मौजूद होती है, और टूथपेस्ट को भी अगर लगा के रखा जाए 1 वीक या 2 वीक अप्लाई करके एक्स्ट्रा स्पेशल हेयर के ऊपर, तो तब भी आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होते हैं और बहुत फ़ायदा होता है। और वेट लॉस मैंने जैसे कि बताया कि बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है, और जिन लोगों को सिर्फ अपर जो लिप्स होते हैं उनके बालों को रिमूव करना है तो हल्दी पाउडर और एग वाइट्स, इसका मिक्सचर अगर लड़कियां अप्लाई करके रखें अपने अपर लिप्स के बालों पे, तो तब भी उनके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो इन टिप्स के ऊपर फ़ायदा लेते हुए और फ़ायदा हासिल करते हुए ख़वातीन अपने एक्सेस फेशियल हेयर से फ़ायदा हासिल कर सकती हैं, और ज़रूर इन टिप्स के ऊपर अमल कीजिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि थ्रेडिंग है या वैक्सिंग है या रेजर्स है,
उनसे बचते हुए अगर ये नेचुरल कुदरती चीज़ें आपके घरों के अंदर मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया, अगर मिक्स करके टर्मरिक पाउडर को और मिल्क को और साथ में योगर्ट को भी बहुत क्वांटिटी टू टेबल स्पून के अंदर भी अप्लाई करके रखें तो आपके स्किन के ऊपर एक ज़बरदस्त ग्लो भी आता है और वो जो हेयर की वजह से आपके स्किन के ऊपर ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। इन टिप्स को फॉलो कीजिए, अपने एक्सेस फेशियल हेयर से निजात पाइए और ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हमारे जो डाइट के वेट गेन और वेट लॉस पैकेजेस हैं, जो कि डैन पैकेजेस की वजह से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनको आप हासिल कर सकते हैं। और ब्राइडल पैकेजेस भी हम लोगों के इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी ब्राइड्स हैं जो कि इससे फ़ायदा हासिल कर रही हैं वेट लॉस के साथ, और उन पैकेजेस से आप लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कर चुके हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।